अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शानी बाबा व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम अपने घर में, ठीक है, आपको वो तंदूर दिखाएंगे जो कल हमने बनाया था। सही है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो अभी तक कितना गर्म है। ठीक है, कल रात को हमने वो जलाया था, सही है, लेकिन वो अभी तक गर्म है। ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो तंदूर है, ठीक है, और ये अभी ठीक ठाक गर्म है। ठीक है, कल शाम को हमने इसमें पहले, मतलब इसको पहली दफ़ा जलाया, ठीक है, लेकिन अभी तक ये मतलब ठीक ठाक गर्म है। अगर इसमें मैं यूँ हाथ डालूँ तो मुझे अभी तक गर्माइश फील होती है, ठीक है, महसूस होती है गर्माइश की, अभी तक ये गर्म है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ऊपर से ढांप देंगे और ये आज दिन नहीं तो आज रात को हम इसमें रोटी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैक टू शानी बाबा व्लॉग्स। तो आज आपको बैक करते हैं, ठीक है, अपने चैनल पे और खुश आमदीद कहते हैं। और ये मेरे साथ सरदार नुमान, ठीक है, ये आज मेरे घर आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे घर कोई था नहीं तो मैंने कहा चलो इनको भी ले आऊँ, ज़रा व्लॉग में ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये भाई जान भी आए हुए हैं, ठीक है, इसको मैंने ये बोल रहा मुझे अपनी बकरियाँ दिखाओ, मैंने कहा बकरियाँ तो गई हुई हैं बाहर घूमने, ठीक है, और बाकी मैंने कहा मुर्गियाँ दिखा सकता हूँ आपको। और ये मुर्गियाँ हमारी, ये नुमान साहब, ये देखें इन्होंने यहाँ पे, ये कल मैंने यहाँ पे गड़ा मारा, ठीक है, और इन्होंने अपनी जगह बना ली यहाँ पे। तो अच्छी बात है इनके लिए जगह, ये नरम नरम, अभी इन्होंने मिट्टी की भी है सारी यहाँ पे, ठंडी जगह पे बैठी हुई है, बहुत मज़े से फंस के बैठी हुई है। सही है, ये सब असील है, ओरिजिनल एक नंबर, देसी अंडों वाली। मुर्गा भी दिखाते हैं आपको, आए अंदर, अंदर थोड़ा सा गंद बना हुआ बहुत, ठीक है, ये जो पिंजरे में है, हाँ ये वाला मुर्गा है जी, ये भी हमने इसको मुर्गियों से अलग किया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये मुर्गियों के साथ मिलकर रलगट हो गया था। ये जो बाकी मुर्गियां हैं, नहीं नहीं ये सारी असील हैं, सारी असील। आज फिर एक ज़बा करके कढ़ाई ना बनाए इनकी, हाय हाय देसी कढ़ाई। ये बेटा हमारी कढ़ाई बन जाएगी रात को। कोई बात नहीं यार, कहना एक पत्थर किधर गई है। ये जी ये लड़ाई वाला मुर्गा है हमारा माशाल्लाह से, लेकिन अभी इसको लड़ाई आती नहीं है, ठीक है। इसको हमने लड़ाई सिखानी है अभी प्रॉपर। ये अब देख लीजिए, गुस्से से देखता है लेकिन लड़ता नहीं है, हमला नहीं करता। तंदूर हमने एक दफ़ा फिर गर्म कर दिया और आपको दिखाते हैं कि ये देख लें, ये तंदूर हमने फिर दोबारा से गर्म कर दिया, एक दफ़ा इसमें आग लगा दिया है हमने, और अब हम इसमें बनाएंगे कड़क कड़क तंदूर की देसी रोटी, ठीक है, और वो फिर हम इंशाल्लाह खाएंगे आज। तो व्यूअर्स, आज का जो मौसम है वो भी बहुत सुहाना हुआ है, बहुत मज़े का मौसम बना हुआ है, और दुआ करो आज बारिश हो जाए, ठीक है। टुडे आज 25 बता रहा है, ठीक है, बारिश, ये मैंने चेक किया अभी नेट पे। तंदूर की जो पहली रोटियां, ठीक है, वो ये उतरना शुरू हो गई हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त रोटियाँ बन रही हैं। अभी आ चुके हैं अभी हम बाजार, एक बेकरी पर चाय का सामान ले रहे हैं, ठीक है, इस बेकरी से और चाचू जी से, और वहाँ पर हमने चाय बनानी थी, इस वजह से हमें यहाँ से सामान लेना पड़ गया। जी व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं मिक्याल, ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे ये वेले ब्रदर और लेडी पहुँचे हुए थे, ठीक है, काम लगे हुए हैं यहाँ पे। टोटल लोगों की ज़मीनें हैं, टोटल लोगों के खेत वगैरह हैं जहाँ पे वो काश्तकारी करते हैं, गंदम लगाते हैं, चने लगाते हैं, मूँगफली लगाते हैं। ये वेले ब्रदर्स को देख सकते हैं और ये साथ इनके बिग ब्रदर सरदार गयूर साहब। क्या हाल है सरदार जी, ठीक हैं? अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी खैर खैरियत, और वो हमसा काफ़ी दूर लगा हुआ है, ठीक है, गुजारिश है, ईद है ना, बारिश है, ये आपको क्यों लगी बारिश है, जैकेट आपने पहनी है? यार वो मौसम इस तरह का बना हुआ था तो मैंने कहा जैकेट पहन लो, ठीक है, पहले मैंने जैकेट ही पहनी हुई थी, आप जान तो मैंने कहा कोई पता नहीं होता बारिश का, बारिश भी स्टार्ट हो सकती है। नगर में नहीं आया, मैं क्या लाएं, हाल में इतनी ठंड नहीं है, गर्मी चल रही है, कोई कभी यार लोग भी देखे आंसर होंगे यार कौन सा बंदा आ गया। लेकिन नहीं नहीं यार, वो मौसम इस तरह का बन रहा था, ठीक है, तो मैंने तब ये जैकेट पहन ली, नहीं ये चेक का कोई पता नहीं होता बारिश किसी टाइम भी हो सकती है, अल्लाह के काम है ये, तो वही ना मरी में बैठे हैं, किसी टाइम भी बारिश हो सकती है, पता ही नहीं। आप मेरा मजाक बना रहे हो, मजाक नहीं, हम सीरियस से कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमदा भाई, हम साथ में अपना खाना और चाय का सामान ले के आए थे, ये खाना हमने पार्सल कराया हुआ है, ठीक है, पैक है, ये ऊपर रोटियाँ और ये साथ हम चाय का सामान लेके आए हैं, ऑल पर दूध इस्तेमाल करेंगे आज हम, ठीक है। वैसे तो हमारे घरों में खुला दूध इस्तेमाल होता है, बकरी का हमारे घर में यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन अभी बकरी दूध नहीं दे रही तो इसलिए फिर हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं दूध बाहर से। तो यहाँ पर भी हम बैठ के खाना खाएँगे, ठीक है, इस खुली फ़िज़ा में यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो तैमूर लोग बनाएंगे चाय, ठीक है, तो वो चाय हम वापस आके, आगे से वापस आके हम पियेंगे चाय, ठीक है।
तो व्यूअर्स, अभी हम खाना बस खाने लगे हैं और ये जैकेट्स ठीक है जो हम पहन के आए थे वो हमें किसी न किसी इस्तेमाल में तो आ रही हैं, ठीक है वो आपको दिखाते हैं कि सर्दी से तो नहीं बचा रही, ठीक है सर्दी तो है भी नहीं लेकिन हमने ये इसको एज आ चटाई यूज़ कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे बैठने के लिए। और ये अभी खाना हम जो है वो खोलने लगे, ठीक है। तो व्यूअर्स ये खाना लेके आए हैं हम, ठीक है अपने साथ यहाँ खाने के लिए, ठीक है खाने का टाइम हुआ हुआ था तो हम लेट भी हो रहे थे, हमने कहा चलो खाना साथ हम पैक करा लेते हैं वहाँ पर जाके खाएँगे, ऐसी माहौल ही बन जाता है यार बैठा हुआ होता है। ये रोटी जनाब साथ चटनी गोभी लोबिया ये तंदूर की रोटी, तो ये जी जो हमारा कल हमने तंदूर लगाया था उसकी रोटी ये मैं लेके आऊँ, साथ ये मैं लाल लोबिया लेके आऊँ और ये नुमान लेके आया अपने घर की रोटी, ठीक है साथ ये गोभी और चटनी, ठीक है। तो अभी हम खाना स्टार्ट करने लगे हैं और ये तैमूर भाई भी आ चुके हैं खाना खाने हमारे साथ, ठीक है बाकी आए खाएँ ना आप भी और चलें, ठीक है जी अभी हम खाना खाते हैं। व्यूअर्स खाना हम खा चुके हैं फाइनली, ये देख लें ठीक है यहाँ से, और अभी अपनी जैकेट में उठाऊँगा ठीक है, और जैकेट में अभी एक हाथ से ही पहनूंगा क्योंकि एक हाथ से मैंने आपको सब कुछ दिखाना है व्यू, और ये मैं जैकेट पहन चुका हूँ ठीक है व्यूअर्स। और अभी जनाब जी मैं कैसे आपको दिखाऊँ, ये मैं जैकेट पहन चुका हूँ ठीक है, दूसरा बाजू भी मैंने डालना है जो मैंने अभी मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में, वरना वो मैं आपको दिखाता, लेकिन चलें अभी हम निकलते हैं आगे मोरी की तरफ ठीक है, और मोरी पे जाके इंशाल्लाह आपको वहाँ का विज़िट कराते हैं, वहाँ का जो व्यू है वो आपको चेक कराते हैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो हम खा चुके हैं ठीक है, मज़ा आया यहाँ पे पहली दफ़ा मतलब बाहर बैठ के हूँ इस तरह हमने खाना खाया लेकिन बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया ठीक है। आप तो सिर्फ देख सकते हो लेकिन हमने इंजॉय किया इस चीज़ को ठीक है, तो चलें मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। व्यूअर साहब हम पहुँच चुके हैं मोरी पर ठीक है, और आपको इतना मैं चेक कराता हूँ सामने का व्यू, सुकून नगर कहा जाता है, सुकून नगर मोरी प्लस सुकून नगर बस वो जगह है जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था ठीक है, कि ये यहाँ पे वीआईपी एक छोटी सा ठीक है मतलब कच्चा सा एक छोटा सा कमरा सा बना हुआ है, मैं आपको ये इसका फ्रंट दिखाता हूँ ठीक है। ये एनी वेदर में तो बहुत मज़े का व्यू देता है, ये बहुत मज़े का हमने किया है ना यहाँ पे प्रोग्राम, हमें तो पता है। चलें अगर कुकिंग तो यहाँ हो जाती है, खाना वगैरह खाना है तो आपको टेंट लगाना चाहें तो आपको बहुत सारी प्लेन जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे आप टेंट लगा सकते हैं और अपना आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ खाना वगैरह खा सकते हैं और जगह जो है आप यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हो। बस बेर लगे हुए हैं यहाँ पे ठीक है, ये देख लें ये नीचे भी कितने गिरे हुए हैं ठीक है, ये आप जो शहर में ठीक है परचेज़ करते हैं वो यहाँ पर हम यूँ फ्री में ज़मीन से उठा के खाते हैं, ये आपको चेक कराता हूँ एक ठीक है, ये आप परचेज़ करते होंगे शहर में ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हमें ऐसे ही मिल जाता है जंगल में ठीक है, आप जाएँ तो जगह जगह पे दरख्त लगे हैं, अगर ये सब बेर लगा हुआ है जितना भी है ना, वो सामने भी बेर लगे हुए हैं ठीक है, वो भी बेर लगे हुए हैं, उसके बाद वो सेंटर पर जहाँ पर मेरी उंगली का निशान है ठीक है वहाँ पर बेर लगे हुए हैं ठीक है, बाकी ये बेर अभी मैंने एक उठाया ये मैं टेस्ट करूँगा कैसे। अक्सर हम जब भी यहाँ पे आए तो हम इस जगह पे आके बैठा करते हैं ठीक है, और ये सामने आपको व्यूज़ चेक कराता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं हम ठीक है, जिससे सही ठीक ठाक हाइट है, ये वो नीचे जो जगह नज़र आ रही है ना ये ठीक है, ये इसका नीचे समझो ज़मीन है, और ये अभी हम पहाड़ पे खड़े हुए हैं ठीक है पहाड़ी पे, और ये नीचे अगर हम उतर के जाएँ तो हमें नीचे उतरते उतरते भी शाम हो जाए, काफ़ी टाइम लग जाए, पैकिंग वगैरह कर लें अपनी। अच्छा व्यू है यहाँ पे, व्यू भी अच्छा तो ये व्यू तो हम मिस कर ही नहीं सकते जब भी यहाँ पे आए तो ठीक है। व्यूअर्स जो है यहाँ से हम अब निकलने की तैयारियों में, हमने ले लिए चाय के लिए ठीक है, और ये मुझे रस्से से मिल गई है मोटी एक, ये भी मैं उठा लूँगा काम आएगी, और ये पड़ी हुई हैं कुछ बड़ी बड़ी ठीक है, ये सही जलने वाली लकड़ी हैं तो इनको भी मैं उठा लूँगा, और ये मैंने भी कुछ उठा ली, कुछ नमान ने उठाई हुई हैं, और अभी हम वहाँ पर जाके चाय बनाएँगे। पहुँच चुके हैं हम लकड़ियाँ लेके, और ये यहाँ पे अभी हमने लकड़ियाँ ला के रखी हैं, ये वाली हम बहुत दूर से लेके आए हैं, बहुत मुश्किल से लेके आए हैं ठीक है, और अभी ये यहाँ पे सरदार तैमूर साहब जो हैं वो चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं ठीक है, ये चाय यहाँ पे भी बनने लगी है, और ये साथ हमजा अपना वर्क जारी रखते हुए ठीक है, और ये यहाँ पर आपको दिखाएँ वो सामने गयूर भाई अपना काम जारी रखते हुए ठीक है, और ये भी यहाँ पर चाय बनने लगी है, बस ये बगला उड़ के जा रहा है बगला ठीक है, बहुत दूर चला गया अब तो हमारी रेंज से वॉक किया, ये इस पट्टी में भी बैठे हुए थे और बगले ठीक है, और चलें ठीक है अभी ये नौजवान हमारे ठीक है, हाय अल्लाह कितने मेहनती जाको ते की फली पे चुने ना, ऐसा लाइक करे और शेयर भी ते सब्सक्राइब भी करे हो यारो।
बस चाय बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तैयार होने के करीब है। हम ये चाय बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस चाय का एक अपना ही अलग सा मज़ा है, ठीक है। जो हम घर पे पीते हैं वो चाय और होती है, ये चाय और है। इनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। इस चाय का जो टेस्ट होगा वो बहुत हट के होगा थोड़ा सा। तो चलें, चाय तैयार होती है तो मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स, चाय तैयार हो चुकी है और तैमूर ने कप में डालना शुरू कर दिया चाय। अभी आपको दिखाते हैं ये, ठीक है। चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है और अभी ये कपों में चाय डाल रहे हैं, ठीक है। और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि तैमूर ने बनाई कैसी है। बस चाय हमने पी लिया, चाय तैमूर ने बहुत अच्छी बनाई थी, माशाल्लाह ज़बरदस्त चाय बनी थी, सही कड़क। और हमने बीच में इलायची भी मिक्स की थी, ठीक है। जब हम खोड़ बाज़ार से सामान लेने गए थे तो हमने साथ इलायची ले ली थी, हमने कहा चाय में मिक्स करेंगे और वो इलायची ले के आए थे, उसकी वजह से चाय माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है, जायका अच्छा आ गया इलायची का। और अभी बस ये हम बर्तन जो हैं वो सारे पैक करेंगे और अभी वापस निकलने की तैयारी करते हैं आस्ता आस्ता। अभी बस यहाँ पर अब अपना व्लॉग हम एंड करते हैं, ठीक है। अब घर जाने का टाइम हो चुका है और चैनल पे जितने भी नए आने वाले लोग हैं, ठीक है, वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, घर की तैयारी करते हैं क्योंकि अंधेरा भी और है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।